बिहार में सत्ताधारी महागठबंधन और एनडीए में शामिल सभी दल लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह चुनावी मोड में आ गए हैं। इसे लेकर सभी दल अभी से चुनावी खिचड़ी पकाने लगे हैं। इस स्थिति में अब मकर संक्रांति को लेकर कई नेताओं द्वारा दही चूड़ा भोज का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि इसी दही चूड़ा भोज पर प्रदेश में सियासी खिचड़ी भी पकने की तैयारी है। वैसे मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा के भोज के बहाने सियासत साधना कोई नई बात नहीं है। इस साल भी मकर संक्रांति पर विभिन्न राजनीतिक दलों ने नेतागण पटना में भोज का आयोजन कर रहे हैं। शुक्रवार को विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा के आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी शामिल हुए। इस भोज में अगर दही चूड़ा परोसा गया तो आगंतुकों ने खिचड़ी का भी स्वाद चखा। तो वहीं आरजेडी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर 15 जनवरी को दही चूड़ा भोज का आयोजन होगा। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद स्वयं इस भोज की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस मौके पर 10 क्विंटल से अधिक दही और 5 क्विंटल चूड़े की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा दही चूड़ा भोज में शामिल लोगों को तिलकुट और आलू गोभी मटर की सब्जी भी परोसी जाएगी। दही चूड़ा भोज के लिए राजनीतिक दिग्गजों के साथ साथ आम कार्यकर्ताओं को भी न्योता दिया जा रहा है। तो वहीं बीजेपी कार्यालय में भी 15 जनवरी को चूड़ा दही भोज का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी किसान मोर्चा द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। इसी बीच बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री नितिन नवीन ने भी आज दही चूड़ा भोज का आयोजन किया है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव राजीव रंजन 13 जनवरी को मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा भोज का आयोजन कर रहे हैं और तमाम लोग जुड़ रहे हैं। वहीं ये खबर हमेशा के लिए खास बन जाती है जब लालू आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन होता है। इसके बाद बिहार के सियासत में हर बार कोई नया खेल देखने को मिलता है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव वाला मकर संक्रांति कितना खास होता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बाकी इस पे आपकी क्या राय है, अपने हिस्से का राय हमें कमेंट के जरिए अवश्य बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहें सहारा समय के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को लाइक करें, फॉलो करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।